कहो भैया। जी, वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ कहो ना, सब खैरियत तो है? कोई और ऐसा है नहीं जिससे मैं ये बात कर सकूं। वो दरअसल कल मेरी इद्दत खत्म हो रही है। अच्छी तरह से याद है मुझे। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे याद नहीं रहती। अच्छा, बस मैं इद्दत खत्म होते ही अपने शहर वापस जाना चाहती हूँ। ये शहर मुझे रास नहीं आया। जाना जर आई एम सॉरी सर। भैया, इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करूं। ठीक है, आप फ्री होके बात कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। जी सर, आई एम सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। सॉरी मत कहा करें, बड़े हैं आप। सर एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। सर वो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भिजवाई थी वो नुमान साहब, इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं आप, मुझे आप पे पूरा एतबार है। ये छोटे मोटे फैसले खुद किया करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगे। ऐसा कैसे हो सकता था? इतनी मुश्किलों से तुम्हें वापस पाया मैं, ये मौका इतनी आसानी से मैं जाने ना देती। तुम नहीं जानती हो था, तुम्हारे बगैर गुजारे हुए पल इतने मुश्किल थे मेरे लिए। उंगलियों पे एक एक लम्हे को गिनाया मैंने। हमारी जान बता रही थी कि जब से वली अलग हुआ है तब से काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुझे लगा वर्कलोड की वजह से आप नहीं आ पाएंगे। काम का प्रेशर तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, मेरे लिए तो कभी भी नहीं था। मेरे लिए तो सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम नहीं जानती तुम्हें आज अपने सामने देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे। और बस अब वादा है तुमसे, तुम्हें अपने से अलहदा कभी नहीं होने दूंगा। हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा। ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना दानियाल, लेकिन ये लड़की क्या कर रही है इसके साथ? पहले कभी देखी तो नहीं है। हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनर या वो कॉलीग हो। मुझे तो बिजनेस पार्टनर से कुछ अलग ही मामला लग रहा है। तुम देख नहीं रही कितनी मोहब्बत से वो उसे देख रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के दरमियान कुछ खास रिश्ता है।